नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज हम लोग देखेंगे कि कहां कहां से रोजगार समाचार में प्राप्त होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को, चैनल पे बने रहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला वैकेंसी आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर से निकली हुई है। इसमें सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा जो है निकाली गई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है और इसमें एक पोस्ट जो है दिया गया है। ड्यूरेशन जो है आपका जो है एक साल क्लियर रहेगा। आपको जो है 30,000 से 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और इसमें जो है 32 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। 21 फरवरी 2022 तक जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीज़न आपके पास MLIS होना चाहिए, और अगर आपके पास UGC नेट JRF वगैरह है और एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी इसको आप देख लीजिएगा। और भी है इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसिंग क्रिएटिव कॉमन्स यानी कि जो CC होते हैं उसके बारे में आपको चाहिए, और गुड राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जॉब टाइटल क्या रहेगा इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर इसे आप भरना चाहते हैं तो जो है 21 फरवरी तक जो है इसे आप भर के इनके ईमेल आईडी पे जो है भेज सकते हैं। ये इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की गई है और जॉब लोकेशन IIT गांधीनगर में रहेगी। चलिए देख लेते हैं अगली वैकेंसी को। अगली वैकेंसी आप देख रहे हैं उमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है निकली है, और यहाँ पे गुवाहाटी से ये वैकेंसी निकली हुई है। इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे है और इनकी वेबसाइट जो है यहाँ पे मेंशन की गई है, और ये 3/2/2022 को निकाल गई है। प्राप्तांक संख्या यहाँ पे है और ये रेगुलर पोस्ट है। दोस्तों, ये रेगुलर पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये कार्य करती है और इसकी पे स्केल जो है 4200 रुपये है। और आप अपना CV जो है इनके ईमेल आईडी पे जो है 7/3/2022 तक जो है भेज सकते हैं, और इसमें शायद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इंटरव्यू जो है फेस करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% और इसमें आपको मैक्सिमम जो है 3 साल के एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। सोल सॉफ्टवेयर के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। आपकी एज जो है 35 वर्ष जो है होना चाहिए। एज रिलेशन में अब मैं बताऊं कि अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या यूनिवर्सिटी से रिलेटिव रखते हैं तो आपको जो है 5 साल जो है एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल एज में छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसे आप भरना चाहते हैं तो इसको जो है आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थी। आगे देखते हैं अगली वैकेंसी को। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी के द्वारा जो है निकाली गई है, और ये नदिया पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है निकाली गई है, और ये वैकेंसी 27/1/2022 को जो है निकाली गई है। इसमें जो है अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई है। इसमें नीचे में आप देख सकते हैं 6 नंबर में लाइब्रेरियन Grade 1, और ये B Grade की वैकेंसी है। Pay Level 7 की वैकेंसी है और इसमें जो है 44,900 से 1,42,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट यूनियन गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी सेकेंडरी ऑटोमेशन बॉडीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
के द्वारा जो है आप इसके अंदर अगर काम किए हैं तो बेस्ट रहेगा। और इसमें जो है एक पोस्ट जो है आपको देखने को मिल रही है, या तो आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस 4200 रुपये ग्रेड पे पे अगर आपने काम किया है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे सब कुछ इन्होंने जो है मेंशन कर रखा है, तो इसको भरना चाहते हैं तो आप जो है इसको भर के भेज सकते हैं। इनकी जो है यहाँ पे वेबसाइट जो है मेंशन की गई है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे इनकी जो है एड्रेस मेंशन की गई है। तो इसे आप भरना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर आप इसे भर के भेज सकते हैं। 30 दिनों के अंदर इसे आप भर के जो है भेज दीजिए। तो दोस्तों ये थी इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आज की गवर्नमेंट की। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर से जहाँ जहाँ से वैकेंसी निकली है उसकी नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।